शांति। 8 जुलाई 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन प्योरिटी है। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति आएगी। तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन प्योरिटी है। प्योरिटी है तब योग का जौहर आएगा। योग का जौहर है तो फिर वाणी में भी शक्ति भरेगी। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है? तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है? आंसर है, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। बाबा का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराते हैं, बाबा की निंदा कराते हैं या ब्रह्मा कुमारी की निंदा कराते हैं, कोई तकलीफ देते हैं तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने और सुनाने से कोई भी फायदा नहीं है। तो बाबा आज क्या पक्का करा रहे हैं? सिर पर जो भी कर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है और बाबा का बन करके कोई भी विकर्म नहीं करना है। अगर विकर्म किया तो फिर जोर से गिरेंगे, फिर उठ भी नहीं सकेंगे, अर्थात जो अवस्था पहले थी और उसको बनाने के लिए फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर कोई तकलीफ देते हैं तो फिर सिर पर बहुत पाप चढ़ जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, तुम पतित से पावन बन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हैं? पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है इसलिए ये समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि ये कौन है। महालक्ष्मी की भी पूजा करते परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है कि ये कौन है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, अच्छी रीति धारणा करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं। हम जो कुछ अच्छा करते हैं बुरा करते हैं वे सब जानते हैं। अब इसको तो अंधश्रद्धा का भाव कहा जाएगा। भगवान तो इन बातों को जानते नहीं हैं, तुम बच्चे जानते हैं। भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला। पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना कि बाबा सबके दिलों को जानते हैं, ये फिर बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा व बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलना ही है। इसमें बाबा का कोई भी कनेक्शन नहीं है। जो भी हम पाप कर रहे हैं पुण्य कर रहे हैं उसका हमको ही फल मिलना है। इसमें बाबा की बात कोई बीच में नहीं आती है। ये ख्याल कभी नहीं करना है कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। परंतु बाबा कहते हम ये धंधा थोड़ी करने आए हैं कि मैं सबको ट्रीट करूं। फिर यहाँ अथवा सेंटर्स पर आ जाते हैं, समझते भी हैं कि बाबा तो जानते हैं, परंतु बाबा कहते हम ये धंधा आदि के वाला धंधा नहीं करते हैं। फिर यहाँ अथवा सेंटर पर आएंगे, जानी जानन हार अक्षर भी रॉन्ग है। तुम बाबा को बुलाते हैं कि आकर हमको पतितों को पावन बनाओ, स्वर्ग का हमें मालिक बनाओ। जन्म जन्मांतर के सिर पर हमारे बोझा बहुत है। इस जन्म के भी हैं तो इस जन्म के भी पाप बतलाते भी हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं
जो पावन बनना भी मुश्किल लगता है। मुख्य बात तो पावन बनने की है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे खत्म करे उसका हमें प्रयत्न करना चाहिए। कैसे कम हो जाए हमारा जो भी बोझा है, उसको खत्म करने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। इसका बहुत पाप चढ़ता है। किसका पाप चढ़ने के लिए बाबा ने कहा कि जो भी सिर पर बोझा है उस जन्म इस जन्म के भी पाप बतलाने हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जिनको पावन बनना भी मुश्किल लगता है। मुख्य बात तो पावन बनने की है। पढ़ाई तो बहुत सहज है। ऐसे बहुत हैं जो अथाह पाप करते हैं, बहुत डिसर्विस भी कर देते हैं। ब्रह्मा कुमारी आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। इसका बहुत पाप चढ़ता है। वे पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिटता है। पाप मिटेंगे तो कैसे? योग से। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसी को भी तीर लग सकेगा। पहले पवित्र बनना है। योग हो तो वाणी में भी जोहर भरता है, नहीं तो भले किसी को कितना भी समझाओ, किसको बुद्धि में जस्ता ही नहीं है, क्योंकि तीर लगता नहीं। जन्म जन्मांतर के बहुत पाप हैं। अभी जो पाप करते हैं वे तो जन्म जन्मांतर में भी बहुत हो जाएंगे। इसलिए गाया जाता है, सतगुरु का निंदक कभी ठिकाना पा नहीं सकेंगे। अभी जो पाप करते हैं वे जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते हैं, इसलिए यही गाया जाता है। बाबा कहते वीके की निंदा कराने वाले का पाप बहुत भारी है। पहले खुद को पावन बनाना है, किसी को भी समझाने का बहुत शौक रखना है। कईयों को बहुत शौक होता है दूसरे को समझाने का, और खुद में पाई का ज्ञान भी नहीं होता है, इससे क्या फायदा। बाबा कहते मुख्य बात तो याद से पावन बनने की है। पुकारते भी हैं पावन बनने के लिए। भक्ति मार्ग में तो जैसे कि एक आदत पड़ गई है, सो भी धक्के खाते हैं, आवाज करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु भगवान कहाँ हैं कुछ भी नहीं जानते हैं। कहते हैं बगैर कान बगैर मुख सुनेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे। अव्यय तो अव्यक्त है, ये सब अंधश्रद्धा की बातें हैं। तुम बाबा को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाबा जानते हैं कि ये बहुत याद करता है, ये कम याद करता है, तो बाबा ऐसा क्यों कहेंगे अपना चार्ट रखो, मुझे अपना चार्ट दो। इसका मतलब बाबा जानते तो हैं, लेकिन बाबा बच्चों से जानना चाहते हैं। बाबा ने कहा याद के सिवाय तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। बाबा भी तुमसे पूछते हैं कितना याद करते हो, चलन से सब मालूम पड़ता है। सिवाय याद के पाप कट नहीं सकेंगे। ऐसे नहीं किसी को ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे व उनके पाप कट जाएंगे। बाबा ने कहा नहीं, जब खुद याद करेंगे तो पाप कटेंगे। मूल बात तो पावन बनने की है। बाबा कहते मेरे बने हो तो कोई भी पाप कर्म नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं, हमने बहुत सेवा की है। परंतु बाबा कहते पहले तो तुम पावन बनो, बाबा को याद करो। याद में बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्र को जानना है। उस पढ़ाई में भी कितना हिसाब किताब आदि पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। अब बाबा ने कहा कि क्या कमाएंगे, पढ़ते पढ़ते मर जाएं तो सारी पढ़ाई खत्म हो जाती है। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारे अंदर धारणा होती जाएगी,
पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं, हमारी याद तो बाबा को पहुंचती नहीं है। कई बच्चे ऐसे कहते हैं ना, हम याद करते लेकिन बाबा को पहुंचती नहीं है। बाबा क्या करेंगे, तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे, क्या बाबा शाबाश देंगे। बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो सदैव बाबा की याद में ही रहते हैं, उनके बगैर हमारा कौन है। ऐसे भी कई कह देते हैं, है ना, हम तो भगवान की याद में रहते हैं। अच्छा हाँ, अगर हम उनको नहीं, अब हम उनको याद नहीं करेंगे तो हमारा कौन है। ऐसी ऐसी बातें भी कई कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा ये सब गप्पे हैं। याद में बड़ी मेहनत है, हम याद करते हैं या नहीं ये भी समझ नहीं कह सकते हैं। अनजाने में कह देते हैं हम तो बहुत याद करते हैं। मेहनत के बगैर कोई भी विश्व का मालिक नहीं बन सकते हैं और ना ही ऊंच पद की प्राप्ति कर सकते हैं। याद का जोहर जब भरेगा तब तो सर्विस कर सकेंगे। फिर देखा जाए कितनी सर्विस कर हमने प्रजा बनाई है। ये भी हिसाब चाहिए कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। उसके लिए प्रजा तो बनानी पड़ेगी, तब तो राजाई पद पा सकते हैं ना। वह तो अभी कुछ है नहीं। बाबा ने क्या समझाया कि उसके लिए इतना योग हो, इतना ज्ञान की धारणा हो। बाबा ने कहा उस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर योग में रहेंगे तो जोहर भी भरेगा, तब किसी को पूरा तीर लग सकता है। शास्त्रों में भी है, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को भी ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतित पना निकलेगा, सतो प्रधान बनेंगे, तब तो, बाबा ने कहा, तब तो सत्युग में जा सकते हैं। जोहर भरेगा तो झट तीर लगेगा। अगर बाबा ने कहा ज्ञान में तीखे होंगे ना, योग में तीखे होंगे, तो औरों को भी जब समझाते हैं तो समझाने में फिर उनको भी टच होता है। ये कभी ख्याल नहीं करो, बाबा सब कुछ जानते हैं। बाबा को इन बातों में जाने की दरकार नहीं है, जो करेगा सो पाएगा। बाबा साक्षी होकर देखते रहते हैं। बाबा को कहीं लिखते हैं हमने फलानी जगह जाकर के सेवा की। बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो। पहली बात ये है और संग तोड़ना है, एक बाबा के साथ संग को जोड़ना है। इसके लिए देही अभिमानी बनना पड़े। घर में रहते भी ये समझो ये पुरानी दुनिया है, पुरानी देह है, ये सब खत्म हो जाएगी। हमारा काम है बाबा को और वर्षे को याद करना। बाबा ऐसे कभी नहीं कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, कोई से तुम बात नहीं करो। बाबा से पूछते हैं कि बाबा हम शादी पर जाएं, तो बाबा क्या कहेंगे, भले जाओ। हाँ, वहां भी जा करके सेवा करके आना। बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ रखना। ये जन्म जन्मांतर के विकर्म याद बल से ही भस्म होंगे ना। यहाँ भी अगर विकर्म करेंगे तो बहुत सजाए खानी पड़ेंगी। पावन बनते बनते अगर विकारों में गिरते हैं तो बाबा ने कहा जरूर मरेंगे, नीचे गिरेंगे, एकदम फिर पुर्जा पुर्जा हो जाएंगे। हाँ, जैसे कल की मुरली बाबा ने कहा था, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो फिर चकनाचूर। ऐसे हटगुट टूटते हैं कि दोबारा ज्ञान में चलने के लिए फिर बहुत हिम्मत चाहिए। श्री मत पर नहीं चलते हैं तो खुद का नुकसान करते हैं। कदम कदम श्री मत पर चलना चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग भी नहीं लगता है, याद फिर कर नहीं सकेंगे। कोई को जाकर कहेंगे कि भगवान आया है, उनसे वर्षा लो, फिर वो बात तो मानेंगे ही नहीं, फिर तीर भी नहीं लगेगा। बाबा ने कहा भक्तों को जाकर के ये ज्ञान सुनाना चाहिए, व्यर्थ किसी को ना दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे।
कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए, अब हम क्या करें? तो बाबा राय देंगे, बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं, गरीब कोई भूखे मरते हैं क्या? फकीरों के पास भी कितने पैसे पड़े रहते हैं, इसलिए इन सब बातों में अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। दान आदि करने में बड़ी खबरदारी रखनी होती है, बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं, सोचो कि किसी ने कोई नॉन वेज खा लिया, कोई किसी ने शराब आदि पिया, बीड़ी सिगरेट आदि खरीदा, तो उससे तो फिर क्या होगा, बोझा चढ़ेगा, तो इसका बोझा बहुत भारी होता है। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कूड़ी का नहीं है, बाबा के साथ धर्मराज भी है, धर्मराज के फिर बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते हैं जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लिखेंगे तो पता चलेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता है। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है, वह है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की देखो बलि चढ़ाते हैं, ये भी ड्रामा में नून है, इन सब बातों को तुम्हें समझना है। ऐसे नहीं कि ये ड्रामा क्यों बना, चक्र में हमें क्यों लाया, चक्र में तो आते ही रहेंगे, ये तो अनादि ड्रामा है, चक्र में ना आओ फिर तो पुरानी दुनिया में रहेंगे ही नहीं। मोक्ष तो होता नहीं है, मुखे का भी मोक्ष नहीं हो सकता है, 5,000 वर्ष के बाद फिर हम ऐसे ही चक्र लगाएंगे। अब ये सब ड्रामा में है, सिर्फ अब कोई को समझाने, वाणी चलाने से कोई पद की प्राप्ति नहीं होगी। पहले तो पतित से पावन हमको बनना है, क्या बनना है, पहले हमें पतित से पावन बनना है। ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। अच्छा, बाबा को अगर पता भी लग जाए तो बाबा जान करके क्या करेंगे? पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है कि श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहाँ तक हम बाबा को याद करते हैं, बाकी बाबा ये बैठकर जाने, इसमें फायदा ही क्या है? तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए ही करते हो, बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से सब जान जाते हैं कि बच्चा अच्छी सर्विस करता है या नहीं करता है, बाबा को व्यवहार से ही पता चल जाता है। फलाने ने बाबा का बन करके बहुत विक्रम किए हैं, तो उसकी मुरली में फिर जौहर नहीं भरेगा। ये ज्ञान तलवार है, इसमें याद का बल का जौहर चाहिए, योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो। बाबा ने क्या समझाया, योग से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में तुम ऊंच पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है, पवित्र बनने के बगैर तुम ऊंच पद की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कई यहाँ आते हैं नरसे नारायण बनने के लिए, पति थोड़े ही नरसे नारायण बनेंगे, बाबा क्या समझा रहे हैं, पति थोड़ी नारायण बनेंगे, उसके लिए तो पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। जो अनन्य बच्चे होते हैं वे सेंटर संभालते हैं, तो उनको फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतनी फिर मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए फिर जोहर भी नहीं भरता है, तो फिर तीर भी नहीं लगेगा, याद की यात्रा है ही कहाँ। सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं, पहले याद में पवित्र बनना है, फिर ज्ञान है, पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी। बाबा ने कहा पावन बनेंगे, याद करेंगे तो वाणी में जौहर आएगा, तेज तीखापन आएगा, तेज पन आएगा, जिसको कहते हैं कि उससे जिसको भी हम समझाएंगे उनको टच होगा, परिवर्तन होगा, उनका खुद में परिवर्तन होगा, तो ही हम दूसरों को परिवर्तन कर सकते हैं। पतित को धारणा नहीं हो सकती, मुख्य सब्जेक्ट तो याद की है, उस पढ़ाई में सब्जेक्ट होती है ना, तुम्हारे पास भले बीके बनते हैं
परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना ये कोई मासी का घर नहीं है। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है, देवता बनने के लिए पहले पवित्र जरूर बनना है। फिर है पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई होगी और पवित्र नहीं होंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकते हैं। इसमें आत्मा भी पवित्र चाहिए, पवित्र होंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। पवित्रता पर बाबा बहुत जोर देते हैं। बगैर पवित्रता हम किसी को भी ज्ञान नहीं दे सकते हैं। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं है, खुद बैठे हैं ना, सब बातें बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिलता है, वह भी ड्रामा में नूंद है। शरीर के बगैर बाबा कैसे बातें करेंगे, कैसे सुनेंगे? आत्मा को शरीर है तब तो सुनती भी है और तब बोलती भी है। बाबा कहते मुझे आर्गन्स नहीं है तो मैं कैसे सुनूंगा? समझते हैं बाबा तो जानते हैं हम विकार में जाते हैं। अगर नहीं जानते तो भगवान ही नहीं मानेंगे, ऐसे भी बहुत बच्चे बोलते हैं। बाबा कहते मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ, मैं कोई देखने नहीं आया हूँ। मैं तो साक्षी होकर देखता हूँ, तुम्हारी चलन से सब मालूम पड़ता है कि ये बच्चा मेरा कपूत है या सपूत है। सर्विस का भी सबूत देना चाहिए ना, ये भी जानते हैं जो करेगा सो पाएगा। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बन जाएंगे, अगर नहीं चलेंगे तो खुद गंदा हो जाएंगे। कोई भी बात क्लियर बात है तो क्लियर करके पूछनी चाहिए, इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। बाबा सिर्फ कहते हैं याद का जोहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे? इस जन्म में भी बच्चे ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो बात मत पूछो। कई बच्चे बाबा ने कहा ऐसे ऐसे पाप करेंगे जो बात मत पूछो। ये है पाप आत्मों की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्मों की दुनिया। अब ये तो संगम युग है, कोई तो डल है जो धारणा भी नहीं करते हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं। फिर टू लेट हो जाएंगे, फिर भंबोर को भी आग लग जाएगी, फिर योग में भी नहीं रह सकेंगे। बाबा ने कहा एक तरफ तो विनाश का समय होगा और फिर योग तो कर नहीं सकेंगे क्योंकि फिर वापसी का समय हो जाएगा, परिवर्तन का समय होगा। उस समय तो हाहाकार मचा होगा, बहुत दुखों के पहाड़ गिरेंगे, इतना विनाश शुरू हो जाएगा। यही फुरना रहना चाहिए, हम अपना राज्य भाग्य कैसे बाबा से ले लें? दे अभिमान छोड़कर अब सर्विस में लग जाना चाहिए। कल्याणकारी बनना है तो धन को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। जो लायक ही नहीं ऐसे पतित को कभी भी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले के ऊपर बोझ आएगा। ऐसे नहीं कि ढिंढोरा पीटना है कि भगवान आया है, ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत हैं, फिर कोई मानेंगे भी नहीं। ये तुम जानते हो, तुमको अभी रोशनी मिली है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है, ऐसा लायक व सपूत बच्चा बनना है जो सर्विस का सबूत दे सको। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है, श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। और दूसरे पॉइंट है स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, पतितों को दान नहीं करना। आज बाबा ने जैसे कहा कि दान भी सोच समझ करके करना है, ऐसा ना हो कि अपने ऊपर बोझा आ जाए। ज्ञान धन भी पात्र को देख कर देखना है, बाबा ने कहा
ज्ञान भी सुनाना है तो भी देखो कि सामने वाला इंटरेस्टेड है सुनने के लिए। अगर इंटरेस्टेड है तो उसको जरूर सुनाना है। आज का वरदान है सदा मोड़ होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भाव। सदा मोड़ होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भाव। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वे सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच जाएंगे। जैसा समय जैसा सरकमस्टांसेस हो उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड है। जैसे साकार बाबा की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप। हाँ, साकार में ब्रह्मा बाबा, जैसा व्यक्ति और जैसा समय होता था वैसे ही बाबा का स्वरूप होता था। ऐसे ही फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क में सबसे सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। और स्लोगन है, जहां सर्व शक्तियां हैं वहां निर्विघ्न सफलता साथ में है। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां निर्विघ्न सफलता साथ है। हाँ, क्योंकि शक्तियां होंगी, सफलता ना हो ऐसे कभी हो नहीं सकता है, और सफलता भी होगी और निर्विघ्न भी रहेंगे। तो आज की मुरली में बाबा ने योग के ऊपर ध्यान दिलाने के लिए कहा, और दान के ऊपर बाबा ने बात कही कि दान भी हमेशा सोच समझ के करना है, और पवित्रता के ऊपर बाबा ने अटेंशन दिलाया, पवित्र जरूर बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो घर वापस कैसे जाएंगे, कैसे नरसे नारायण बनेंगे, उसके लिए पवित्र होना जरूर है। और इसके साथ साथ बाबा ने आज बहुत अच्छे पॉइंट्स दी हैं बच्चों को, बहुत अच्छे से उसको धारण करने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा को बहुत याद रखना है। और बाबा ने जैसे आज बात कही कि योग नहीं होगा तो उस जोहर जोहर माना तीखापन, तो किसी को ज्ञान सुनाएंगे लेकिन उसको असर नहीं होगा, खुद में धारणा नहीं है और तो भी अगर किसी को सुना रहे हैं तो भी क्या नहीं होगा, तो भी उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो उसके लिए बाबा ने आज कहा कि याद के साथ साथ धारणा भी होनी जरूरी है, धारणा के बिना योग नहीं, योग के बिना धारणा नहीं। तो इस दोनों का भी आपस में क्या है, आपस में इसका भी कनेक्शन है। तो इसलिए याद पर और धारणाओं पर पूरा अपना ध्यान देना है। वो